छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई सहित कई जिलों में गुरुवार सुबह 9:30 बजे से इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही जारी है। टीम ने रायपुर मेयर एजाज ढेबर, उनके भाई अनवर ढेबर, रायपुर महापौर एजाज ढेबर, सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले आईएएस अनिल टुटेजा, उनकी पत्नी मीनाक्षी टुटेजा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, कमलेश जैन, गुरुचरण होरा, सीए संजय संचेती, आपकारी ओएसडी अरुण पति त्रिपाठी समेत अन्य के यहाँ ये छापेमारी कार्यवाही हुई है। यहाँ छापेमार कार्यवाही के लिए करीब विशेष विमान से 200 से अधिक अधिकारियों की टीम पहुंची है। इनकम टैक्स की इस कार्यवाही को पॉलिटिक्स फंडिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस छापेमार कार्यवाही के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मिली थी, जिसके आधार पर यह पूरी कार्यवाही की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व मुख्य सचिव के भी जांच के दायरे में हैं और उनके यहां भी इनकम टैक्स की कार्यवाही शुरू हो गई है। कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर, शराब कारोबारी पप्पू भाटिया और आईएएस अधिकारी सहित कई रसूखदार के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा है। पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड नान घोटाले से जुड़ रहे हैं। आईएएस अनिल टुटेजा सहित 32 जगहों पर कार्यवाही कर रही है। टीम सभी जगहों से आय व्यय का लेखा जोखा जुटा रही है। आयकर विभाग को यहां बड़ी टैक्स चोरी की आशंका है। इस कार्यवाही में 200 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शामिल है। आयकर सूत्रों ने बताया कि मेयर एजाज ढेबर के ही 6 से ज्यादा ठिकानों पर टीम जांच कर रही है। इसके साथ ही कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, डॉक्टर ए फरिश्ता, सीए संजय संचेती और सीए कमलेश्वर जैन के ठिकानों पर भी आयकर की जांच चल रही है। इस कार्यवाही में 150 से ज्यादा अफसरों की टीम शामिल है। यह सारे अफसर दिल्ली से सुबह फ्लाइट से रायपुर पहुंचे हैं। वहीं भिलाई में आबकारी विभाग के ओएसडी अरुण पति त्रिपाठी के सेक्टर 9 स्थित बंगले पर छापा मारा गया है। ओएसडी त्रिपाठी इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी हैं और प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। सेंट्रल इनकम टैक्स की यह कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। सुबह 9 बजे ही सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। इसके बाद अलग अलग गाड़ियों में अधिकारी छापे की कार्यवाही के लिए पहुंचे। खास बात यह रही कि सभी अधिकारी हरियाणा और झारखंड नंबर की गाड़ियों से पहुंचे हैं। इनकी गाड़ियों पर अलग अलग विभाग के स्टिकर लगे हुए हैं। इनमें पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग जैसे नाम शामिल है। वहीं कुछ गाड़ियों में स्टडी टूर का बैनर भी लगा हुआ है। इस छापे की कार्यवाही में स्थानीय पुलिस और स्थानीय आयकर अधिकारियों को दूर रखा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इनकम टैक्स और ईडी के अलावा अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी की संयुक्त टीम छापा मारने विशेष विमान से रायपुर पहुंची हो। एयरपोर्ट में उतरने के बाद अलग अलग टीमें प्रदेश के सभी जिलों में रवाना हो गए। टीम के अभी भिलाई और बिलासपुर में भी छापा मारने की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, टीम के रवाना होने के लिए कई ट्रेवल्स की गाड़ियों का इंतजाम भी पहले से ही कर रखा था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह विशेष विमान रायपुर एयरपोर्ट में कितने बजे लैंड हुआ और टीमें कहां कहां गई हैं। इनकम टैक्स की टीम के साथ इस कार्यवाही में ईडी के अधिकारियों की भी शामिल होने की पुष्टि सूत्रों ने की है। छत्तीसगढ़ से चेटियाड प्रणय गुलवार की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।